हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए पोहे साग की रेसिपी लाई हूँ, जिन्हें मालाबार स्पेनिश के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत हेल्दी होता है। इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने यहाँ हरे वाले पोहे साग लिए हैं, जिन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इन्हें काट कर तैयार कर लेंगे। मैंने इन्हें काट कर तैयार कर लिया है इस तरीके से। डंठल को मैंने लंबाई में काटा है, इसी तरीके से तैयार कर ले। आलू को मैंने काट कर अच्छे से वॉश कर लिया है। अरबी को गोलाई में काट कर तैयार कर लिया है। बारीक कटा प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद हो। साथ ही मैंने लिया है सरसों का तेल, पंचफोरन, पीली सरसों के दाने, हल्दी पाउडर, मिक्स मसाला पाउडर, पोपी सीड्स, जिन्हें पोस्ता के दाने भी कहा जाता है, जीरा, नमक, टमाटर और पानी लिया है। सबसे पहले मसाला का पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने एक मिक्सर जार लिया है। अब इनमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, जीरा, पोस्ता और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट तैयार हो चुका है। सेम मिक्सर जार में सरसों के दाने और प्याज ऐड कर इनका भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। मसाला पेस्ट तैयार हो चुका है। इन्हें एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। सबसे पहले कढ़ाई गर्म कर लेंगे। अब इनमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इनमें पंचफोरन ऐड करेंगे और इन्हें चटकने देंगे। अब इनमें तैयार किया हुआ मसाले का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इन्हें चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है, ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है। अब इनमें कटे हुए आलू और अरबी ऐड करेंगे, साथ ही पोहे के डंठल भी ऐड कर लेंगे। इन सभी को अच्छे से मिलाते हुए हमें धीमी आंच में भून लेना है। अब इनमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे, साथ ही हल्दी पाउडर और मिक्स मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे।
अब इन्हें ढककर लगभग 5 से 6 मिनट तक धीमी आंच में पकने देंगे। छह मिनट हो चुका है, ढक्कन हटाकर इन्हें एक बार अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इनका कलर चेंज होने लगा है, आलू और ऑयल भी अच्छे से कुक हो चुका है। इस स्टेज में हम पोहे साग ऐड कर लेंगे। पोहे साग बहुत जल्दी कुक हो जाता है, इसलिए इन्हें लास्ट में ही ऐड करें और इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इन्हें ढककर लगभग 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। पोहे साग अच्छे से गल चुका है, अब इनमें कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब इन्हें ढककर टमाटर के गलने तक पका लेंगे। टमाटर अच्छे से गल चुका है, अब इनमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ नॉर्मल पानी ऐड किया है। इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड करें। अब इन्हें ढककर लगभग धीमी आंच में 6 से 7 मिनट तक पकने देंगे। पोहे साग की हेल्दी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। पोहे साग की स्वादिष्ट सब्जी को गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आज की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।